नमस्कार, स्वागतम दोस्तों। मेरे न्यूज़ चैनल द मिरेकल स्टोर 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि जिनके पैर की अंगूठे के बगल वाली उंगली लंबी होती तो उनका क्या फल होता है? हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो, आपके भी पैर की जो सेकंड नंबर की उंगली है वो लंबी हो। तो आप क्या जानना चाहते हैं कि इसका क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है इस उंगली के बड़े होने के पीछे? तो आइए, आज मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि क्या है वो राज। अगर आपके पैर की सेकंड नंबर की उंगली लंबी है तो उसके पीछे क्या राज है, क्या तथ्य है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। ये सीक्रेट आज मैं आपको शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पैर की उंगलियां सामान्य तो होती है, लेकिन ऐसे कई भी लोग हैं जिनके पैर की उंगलियां सामान्य नहीं बल्कि छोटी बड़ी होती है। और उनके बारे में ऐसी बातें हैं जिन्हें जान लेना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में आज हम आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों की पैर की दूसरी नंबर की उंगली बड़ी होती है उनका स्वभाव कैसा होता है और उनके साथ क्या क्या होता है। जी हाँ, आप सभी को आज मैं बता दूं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक अनेक तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इसी के साथ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पैर के अंगूठे के बाजू वाली दूसरी उंगली बड़ी होती है तो वह व्यक्ति बहुत ही किस्मत वाला और दूसरों से अलग माना जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी है तो आपके साथ क्या क्या होता है और आप कैसे हैं। कहा तो ये जाता है कि जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली बड़ी होती है, भले ही देखने में कैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, पर जैसे भी हो, पर ऐसे लोग दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसी के साथ ऐसे लोगों में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है जिससे यह सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर किसी महिला विशेष की दूसरी उंगली बड़ी होती तो अपने पति से बहुत प्यार करती है और उनके साथ बढ़ चढ़ कर उनके काम में मदद करती है, उनके प्रोफेशनल लाइफ में मदद करती है, उनके बिजनेस में मदद करती है, उनके काम में पूरी सहभागी रहती है, अपने पति की बहुत प्रिय रहती है। और कहते तो ये भी है कि पैरों लोग की अगर पैरों की दूसरी उंगली बड़ी हो तो वह थोड़ी गुस्से वाली भी प्रवृत्ति की होती है। ऐसे लोग स्वभाव से काफ़ी गुस्से वाले भी होते हैं पर अपना गुस्सा ये जल्दी जाहिर नहीं करते। वहीं ऐसे लोग काफ़ी अच्छे और शांत स्वभाव के भी होते हैं और दिल के बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली बड़ी होती है उन लोगों के जीवन में पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन लोगों के जीवन में कामयाबी ही कामयाबी होती है। जी हाँ, मतलब जिनके पैर की उंगली बड़ी होती है ऐसे लोग के बारे में कहा जाता माना जाता है कि उम्र के 28 से 30 साल तक इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है, पर जैसे ही 30 के पार जाते हैं, 31, 32, 33 के होते हैं, 31, 32, 33 से जैसे इनकी ज़िंदगी शुरू होती है तो इनको जीवन में तरक्की, सफलता लगातार और बहुत मिलनी शुरू हो जाती है। भले ये आम लोगों की अपेक्षा थोड़े से लेट हो जाते हैं पर अपने आने वाले जीवन में ये बहुत तरक्की करते हैं और बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं। जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली अंगूठे के बराबर वाली उंगली या अंगूठे से बड़ी होती है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। इनके अंदर ऊर्जा की शक्ति बहुत होती है, आम लोगों की अपेक्षा इनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है। और अगर ऐसे लोग अगर किसी काम के एक बार हाथ में ले ले तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। इन लोगों की एनर्जी तो देखने लायक होती है। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत यात्राएं करते हैं, देश की, विदेश की, विदेश की ज़्यादा करते हैं, बार बार विदेश जाते हैं। मतलब यात्रा करना ऐसे लोगों की फितरत में होता है और किस्मत में होता है। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, अत्यंत पसंद है। और ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। कहा तो ये जाता है कि जिनके अंगूठे के पास वाली उंगली बड़ी हो तो वो बहुत नसीब वाले होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी उंगली करोड़ों में से किसी एक की होती है। ये लोग किस्मत के बहुत धनी होते हैं, जो चाहते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। इनकी इच्छा शक्ति
बहुत मजबूत होती है। मतलब एक बार अगर किसी काम को ये हाथ में ले ले तो उसे पूरा कर कर ही दम लेते हैं। इनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज़ के सामने ये डरते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं। हर चीज़ का ये पूरे दबंग के साथ, पूरी बहादुरी के साथ उसका सामना करते हैं। ऐसे लोग में ज़िद्द होता है, करना है तो मतलब करना है। ये ऐसा नहीं कि अरे चलो नहीं हो रहा तो छोड़ दो, उस टाइप के लोग नहीं होते। नहीं, मेरे को करना है मतलब करना है। एक बार इन्होंने जो ठान लिया कि मेरे को ये चाहिए तो उसको पाकर ही दम लेते हैं ये। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। अपने जहाँ भी रहते वहाँ के मुखिया रहते, चाहे ऑफिस हो, घर हो, हर मतलब घर के सदस्य इनकी बात मानेंगे। कुछ भी काम करने से पहले इनकी सलाह लेना ज़रूरी समझेंगे। ऑफिस के ये हेड होते हैं, वहाँ सब इनसे सलाह मशवरा लेते हैं कि कैसे करें क्या करें। मतलब जहाँ रहते वहाँ के मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं। इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो ये रहा फ्रेंड्स, अगर आपके पैर के पास वाली उंगली बड़ी है तो उसका क्या फल होगा, आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।